गुप्ता, प्रेसिडेंट सेव उड़ीसा ऑर्गेनाइजेशन। काफी दिनों से मैं राउरकेला में ये नोटिस कर रहा हूँ कि राउरकेला में कुछ युवा स्पोर्ट्स बाइक हाई सीसी का गाड़ी खरीद लिए है और राउरकेला के रोड में अनकंट्रोलेबल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। मैं सभी स्पोर्ट्स बाइक का शौक रखने वालों और स्पीड बाइक चलाने वालों को बताना चाहता हूँ कि राउरकेला का रोड फॉरेन के रोड की तरह एक लेवल का नहीं है। यहाँ रोड को दो पार्ट में बनाया जाता है, जिसके वजह से रोड एक लेवल का नहीं बनता है। रोड में भर भर के धूल गिट्टी और गड्ढा है। बेहतर से बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम भी ये गिट्टी और धूल में जो है सही से काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपका और आपके साथ साथ अन्य राउरकेला वासी का एक्सीडेंट हो सकता है। खराब रोड का तो एक समस्या है, दूसरा राउरकेला का रोड में कब कुत्ता गाय बकरी दौड़ के आपका गाड़ी के पास आ जाए, आपका गाड़ी से टकरा जाए, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आप सभी राउरकेला वासी जो इस तरीके का रैश ड्राइविंग सिटी के रोड में करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिखावा में मत जाइए, कंट्रोल स्पीड में गाड़ी चलाइए और हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, जिससे आपका और आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी जान सुरक्षित रह पाएगा। आपका जीवन जो है बहुत अनमोल है। आपका सुरक्षित रहने से आपका परिवार में तो खुशियाँ रहती ही है, आपका चाहने वाला में भी हमेशा खुशी बना रहता है। अपना जीवन को जो है शौक में और दिखावा में इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। अभी न्यू ईयर का जो टाइम आ रहा है, आपको पता है इस वक्त में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इसलिए इस वक्त में आप जो है गाड़ी चलाते वक्त में विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ साथ सभी राउरकेला वासी को बता देना चाहता हूँ कि 22 नवंबर 2022 को आरएमसी कमिश्नर शुभंकर महापात्रो जी को एक कंप्लेन लेटर भी दे दिया गया है और ये रिक्वेस्ट किया गया है कि विद इन वन मंथ राउरकेला का रोड से सारा लवारिस गाय और सांड को तुरंत हटाया जाए, उनको सुरक्षित जगह में पहुँचाया जाए, जिससे कि एक्सीडेंट से लोग भी बच पाएंगे और ये लवारिस जानवर भी बच पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि राउरकेला के रोड में कई बार जो है ये लवारिस जानवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहुत लोगों घायल भी हुए हैं और बहुत लोगों का मृत्यु भी हो चुका है। इसके साथ साथ राउरकेला में एक एनिमल केयर सेंटर का भी डिमांड रखा गया है। लेटर में ये भी क्लियर बता दिया गया है कि अगर राउरकेला एडमिनिस्ट्रेशन लवारिस गाय और सांड को नहीं हटाती है और अगर राउरकेला में एक भी लोग लवारिस जानवर की वजह से घायल या मरते हैं, उसका पूरा जिम्मेदार राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा और जो भी डिमांड घायल व्यक्ति या मृत व्यक्ति का परिजन का होगा, वो राउरकेला एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी हाल में भरपाई करना पड़ेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे राउरकेला के लोग, राउरकेला के यंग जनरेशन ये वीडियो में जो भी मैसेज दिया गया है उसको समझेंगे और कुछ लोग जो अनजाने में गलती कर रहे हैं वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।